दोस्तों आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा, सिम डाले बिना अब आप कॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसानी से। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या है ई सिम, कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं और किस तरीके से ये काम करती है, इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी ज़्यादा लोगों तक जाए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करते हैं। अब दोस्तों जो ये ई सिम है ये इंडियन टेलीकॉम कंपनीज ही प्रोवाइड कर रही है, मतलब जियो, एयरटेल, VI ये लोग ही प्रोवाइड करेंगी, ऐसा कोई अलग से नहीं आएगा। तो इसमें सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं आने वाला है, और साथ ही साथ ये जो आपकी ID है इसको फ़ोन में एम्बेड करती है। ठीक है, आपकी ID को फ़ोन में एम्बेड करती है, जैसे आपका जो फिजिकल सिम होता है वो जब आप लेते हो तो ID देते हो और फ़ोटो खिंचवाते हो और ये सारी चीज़ें करते हो, तो वो ID आपके सिम के साथ एम्बेड होती है। वैसे ही इसकी जो ID होगी वो भी आपके फ़ोन के साथ एम्बेड होगी, और आपका कोई फिजिकल सिम तो इसमें होगा नहीं, तो आपकी ID को फ़ोन के साथ एम्बेड किया जाएगा, मतलब फ़ोन में डाला जाएगा। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होता है ये मोबाइल फ़ोन में रिमोट सिम प्रोविज़न को इनेबल करता है, जिसकी वजह से आपको बिना फिजिकल सिम के आप इन सब चीज़ों को, इन फीचर्स को यूज़ कर सकते हो। कॉलिंग का फीचर हो गया और भी जितने सारे फीचर हो गए उन सबको आप यूज़ कर सकते हो मोबाइल रिमोट सिम प्रोविज़न के थ्रू, और ये काफ़ी सही चीज़ है। दोस्तों इस पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि जब आपका सिम नहीं लगेगा तो आपके मोबाइल में कुछ स्पेस भी बचेगा, क्योंकि आपका सिम ट्रे यूज़ नहीं करेंगे आप, जब आपका सिम ट्रे यूज़ नहीं करेंगे तो मोबाइल में स्पेस बचेगा, तो वो भी बेहतर ही होगा। ठीक है, उसमें थोड़ा तो हल्का हो गई। और दोस्तों इसको मैं आपको बता दूं कि आप कैसे इसको ले सकते हैं ई सिम, अब आपको अगर लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको जियो ने भी ये ऐलान किया है कि वो इस ई सिम को प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए आपको जियो स्टोर पर जाना है पहले। जैसे ही आप जियो स्टोर पर जाएंगे वहाँ जाके आपको जैसे नॉर्मल सिम होता है उसके लिए आप उनको बोलेंगे कि मुझे ई सिम लेना है, तो ई सिम मतलब एम्बेडेड सिम, ठीक है, तो वो लेना है। तो वो आपको एक फ़ोटो खींचेंगे और एक आइडेंटिटी प्रूफ लेंगे, उसके बाद आपको एक ई सिम मिल जाएगा। अब ई सिम को आपको कैसे एक्टिवेट करना है, साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि अगर मैं अपना जो फिज़िकल सिम है जो मेरे पास अभी है जियो का, उसको ई सिम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या ये कन्वर्ट हो सकता है। तो बिल्कुल ई सिम में कन्वर्ट हो सकता है, और ई सिम को अगर आप फिज़िकल सिम में कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन इसको आप जियो स्टोर पे जाके आपको करना होगा, आप अपने घर पे बैठ के नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको एक्टिवेट कैसे करना है। एक्टिवेट करने का बहुत आसान प्रोसेस है। पहले तो अगर आपके मोबाइल में ई सिम की सुविधा फीचर जो है, ई सिम का फीचर है पहले से अवेलेबल है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो खुद से ही उसको सेंस कर लेगा और खुद से ही एक्टिवेट हो जाएगा और काम करने लगेगा। लेकिन अगर आपका मोबाइल ये सुविधा नहीं देता है तो आपको एक फ़ीचर डाउनलोड करना होगा। उस फीचर को डाउनलोड करने के बाद वो आपके ई सिम के साथ कनेक्ट हो जाएगा और आप अपने मोबाइल में आराम से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपसे गलती से ऐप डिलीट हो जाता है, तब आप क्या करेंगे, तो आपको फिर से सारी प्रोसेस करना पड़ेगा, आपको फिर से जियो स्टोर पे जाना पड़ेगा, फिर से आपको फ़ोटो खिंचवा के ID प्रूफ दे के सारी चीज़ें फिर से करनी पड़ेंगी, फिर से वो फीचर में ये सारी चीज़ एम्बेड की जाएगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये मोबाइल फ़ोन में एम्बेड किया जाता है, इसका जो ID है आपका, तो वो फिर से एम्बेड की जाएगी और ये सारा प्रोसेस फिर से होगा। तो अगर आप लोग इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बड़े धूमधाम से यूज़ कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी है, कई सारी चीज़ें हैं, ई सिम का अभी तक बहुत ज़्यादा चीज़ सुनने को नहीं मिली है, तो नया कुछ है, तो आप एक बार यूज़ करके ट्राई कर सकते हैं कि आपको कैसा लगता है। और आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इससे आपकी लाइफ में थोड़ी भी वैल्यू ऐड होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, वो जो लाल वाला बटन है वो ग्रे करके बगल में घंटा आएगा उसको दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ, रोज़ वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, और अब एकदम चार्ज हो गया हूँ। रेगुलर वीडियोस आ रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस भी आ रहे हैं, लॉन्ग वीडियोस भी आ रहे हैं, तो वीडियोस को हमेशा फॉलो करते ही रहिए, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना मेरी जिम्मेदारी है। दोस्तों मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।